हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं हूं कुणाल, स्वागत करता हूं आप सभी का केएस टीवी के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बजट रेंज वाले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि वीवो ने लॉन्च कर दिया था कल इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। और इस स्मार्टफोन का नाम है वीवो U10। U10 यानी अंडर 10 के या फिर अल्टीमेट 10 के, वो सब तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये जो स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है। और शायद आप इन स्पेसिफिकेशंस को सुन करके ऐसा आपका मन करने लग जाए कि क्या ये स्मार्टफोन को मैं खरीद लूं। तो चलिए फिर इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस जानते हैं इस वीडियो में। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीवो U10 के डिस्प्ले के बारे में। इसका जो डिस्प्ले है वो एक 6.33 इंचेस का 720p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, जो कि एक HD पैनल है। डिस्प्ले थोड़ा सा एवरेज ही है दोस्तों, लेकिन 10,000 से कम के प्राइस में आने वाले स्मार्टफोन में हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। तो वीवो ने एक स्टैंडर्ड सा डिस्प्ले ही चूज किया है इस वीवो U10 के लिए। लेकिन इसकी जो एस्पेक्ट रेशियो है वो कमाल है दोस्तों, 19.5:9, यानी आपका जो फ्रंट है उसके अंदर 89% सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन रहने वाली है, और उसके ऊपर आपको एक यू शेप का टीयर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलेगा इस वीवो U10 में। बढ़ते हैं इसके प्रोसेसर की तरफ, तो ये सुनकर के आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 665। जी हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा कोई स्मार्टफोन है जो कि 10,000 से भी कम के प्राइस में आ रहा है और इसके अंदर स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर यूज किया है। एक काफी पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों, और वीवो को दाद देनी चाहिए कि इतना अच्छा प्रोसेसर उन्होंने वीवो U10 के अंदर इस्तेमाल किया है। तो U10 का प्रोसेसर काफी पावरफुल है। बढ़ते हैं इसके बैटरी की तरफ, तो दोस्तों इसके अंदर बैटरी भी काफी कमाल है। 5000 mAh की विशाल बैटरी आपको देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ एक और बोनस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 18 वॉट का फास्ट चार्जर। 10,000 से कम वाले स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, कमाल है दोस्तों। लेकिन एक चीज अधूरी रह गई कि यहाँ पे टाइप सी पोर्ट नहीं है, माइक्रो USB पोर्ट यूज किया है, लेकिन अपन एक्सपेक्टेशन करते करते कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टाइप सी पोर्ट तो नहीं आने वाला। अब बात करते हैं इसके कैमरास की, तो सबसे पहले इसके अंदर एक आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अगर हम रियर कैमरास की बात करें तो जो पहला कैमरा है वो एक 13 MP का कैमरा है, दूसरा है 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेने के लिए, और तीसरा जो कैमरा है वो एक 2 MP का डेप्थ सेंसर है, जिससे आपके जो पोर्ट्रेट शॉट्स है वो मतलब ले सकते हो आप पोर्ट्रेट शॉट्स इसकी मदद से। कैमरा की जो क्वालिटी है वो एवरेज ही रहने वाली है दोस्तों, 10,000 से कम के प्राइस में आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते। बढ़ते हैं इसके फ्रंट कैमरा की तरफ, तो दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 8 MP का फ्रंट कैमरा, जो कि एपर्चर f/2.2 के साथ आता है। ये भी एक स्टैंडर्ड सेल्फी कैमरा है दोस्तों, जो कि ज्यादातर आपको 10,000 से कम वाले स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है, उसी तरह का कैमरा वीवो ने यूज किया है। तो लॉजिकली इसका जो हाईलाइट कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स, और वीवो ने ऐसा कहा है कि आपको एंड्रॉयड 10 का भी अपडेट बहुत ही जल्द मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इस एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर जो स्किन है वो है फन टच OS 9.1, जो कि बहुत सारे गेमिंग मोड्स के साथ में भी आती है। तो और इतना अच्छा प्रोसेसर इन्होंने दिया है, तो शायद से आपका जो पबजी खेलने का एक्सपीरियंस है वो उभर के आने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर। इसके अंदर आपको हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है दोस्तों। तो बाकी सारे जो बेसिक फीचर्स है वो आपको जरूर से दिए गए हैं इस स्मार्टफोन के अंदर। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी की, तो सबसे पहले इसके 3 अलग अलग वेरियंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो पहला वेरियंट है वो है 3 GB RAM और 32 GB इंटरनल मेमोरी। इसकी जो प्राइस है वो है 8,990 रुपीज। 9,000 से भी कम के प्राइस में आपको इतना अच्छा फोन मिल रहा है, तो बहुत ही कमाल डील है दोस्तों। जो दूसरा वेरिएंट है वो है 3 GB RAM और 64 GB इंटरनल मेमोरी। इसकी जो प्राइस है वो है 9,990 रुपीज। मेरे हिसाब से यही वेरिएंट सबसे ज्यादा बिकने वाला है, क्योंकि 10,000 से कम के अंदर आपको ये फोन परफेक्टली बैठ जाता है। और इसका एक और वेरियंट है जो कि हायर एंड वेरियंट है, जिसकी स्पेसिफिकेशन है 4 GB RAM और 64 GB इंटरनल मेमोरी। इसकी प्राइस भी कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1,000 का फर्क है, 10,990 रुपीज का है ये U10 का 4 GB वाला वेरिएंट।
तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है दोस्तों। अगर हम बजट सेगमेंट की बात करें, जो रेडमी नोट 7, 7S, रेडमी के और रियलमी के जो जो स्मार्टफोन्स हैं उन सभी को आसानी से पीछे छोड़ देगा ये वीवो U10, क्योंकि प्रोसेसर काफी अच्छा यूज किया है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, बड़ी बैटरी। तो अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो आपको जरूर से वीवो U10 को कंसिडर करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसके अवेलेबिलिटी की, तो ये जो अमेजोन पे ग्रेट इंडियन सेल आने वाली है 29 सितंबर से, उसके अंदर आप इसको खरीद सकते हो दोस्तों। अमेजोन के ऊपर आपको ये स्मार्टफोन मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो वीवो U10 और उसके फीचर्स को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आया है तो जरूर से उस लाइक बटन को दबाइए और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका बजट अगर 10,000 है तो आप कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे। मेरा बजट अगर 10,000 हुआ तो मैं जरूर इस वीवो U10 को लूंगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस आइकन के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो बस विदा लेते हैं आपसे, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए KSTV।